नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। हमने अभी तक शायद 5 से 6 ऋषि सुनक को लेकर प्रोग्राम हम कर चुके हैं। ऋषि सुनक के बारे में, ऋषि सुनक की कितनी सैलरी है, ऋषि सुनक की पत्नी के बारे में और ऋषि सुनक की जो बच्चे हैं यानी कि उनकी दोनों बेटियों के बारे में। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे ऋषि सुनक की बहन को लेकर कि आखिरकार ऋषि सुनक की बहन कौन है, उनका क्या नाम है, वो क्या काम करती है और वो उनकी भी कितनी सैलरी है। आज इसी को लेकर हम ऋषि सुनक पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बताती चलूं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और उसके बाद से लगातार बधाइयां उन्हें दी जा रही है। जैसे ही ऋषि सुनक का नाम सामने आया वैसे ही भारत में जश्न का माहौल हो गया। न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल रहा और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वो अब लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की, किस तरीके से अब ब्रिटेन के और भारत के रिश्ते होने वाले हैं, इस चीज को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। लेकिन आज की इस रिपोर्ट ये खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं ऋषि सुनक की बहन को लेकर। लिज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पद अपना ले लिया है। उन्होंने मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की, जिसके बाद किंग ने उनसे सरकार बनाने के लिए कहा। इसी बीच एक बड़ी खबर पीएम सुनक की पत्नी को लेकर भी आई है। दरअसल प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस में अपनी हिस्सेदारी के लिए साल 2022 में 126.61 करोड़ रुपए का लाभांश मिला है। गौरतलब है कि अक्षता मूर्ति भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है। शेयर बाजारों को उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता के पास सितंबर के अंत में इंफोसिस के 3.89 करोड़ या 0.93% शेयर थे। BSE पर मंगलवार को 1,527 रुपए प्रति शेयर के भाव पर उनकी हिस्सेदारी 5,956 करोड़ रुपए की है। इंफोसिस भारत में सबसे अच्छा लाभांश देने वाली कंपनियों में से एक है। गौरतलब है कि अक्षता को ब्रिटेन से बाहर अपनी आय पर कर स्थित के चलते विवादों का सामना भी करना पड़ा था। न केवल अक्षता बल्कि इस विवाद को लेकर ऋषि सुनक पर संकट के बादल भी छाए गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी चोरी के आरोप ऋषि सुनक और उनकी पत्नी पर लगे थे। तो दरअसल अक्षता के पास अपने पिता नारायण मूर्ति की कंपनी इंफोसिस में 0.93% हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अपनी हिस्सेदारी से अक्षता सालाना करीब 11.65 करोड़ रुपए का डिविडेंड पाती है। इस कमाई पर ही कर नहीं देने का आरोप अक्षता पर लगे थे। और अब हम आपको बताते हैं कि अक्षता मूर्ति करती क्या है। अक्षता ब्रिटेन में लंबे समय से रह रही है। यहाँ उन्होंने अक्षता डिजाइन के नाम से एक कंपनी भी खोली है। इसके अलावा वो वेंचर कैपिटल कंपनी कैटामारान वेंचर्स की डायरेक्टर भी है। इसकी स्थापना साल 2010 में अक्षता के पिता NR नारायण मूर्ति ने की थी। सुनक ने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड से MBA किया, जहां उनकी मुलाकात भारत के की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई। साल 2009 में दोनों की शादी बेंगलुरु में भारतीय रीति रिवाज के साथ हुई। अक्षता इंग्लैंड में अपना फैशन ब्रांड भी चलाती है। आज की तारीख में वो इंग्लैंड की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। सुनक दंपत्ति की दो बेटियां यानी कि कृष्णा और अनुष्का है। हम आपको लगातार बता रहे हैं ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के बारे में, आखिरकार उन पर किस तरीके से तमाम ऐसे आरोप है जो वो लगाए गए थे और आखिरकार किन किन आरोपों का सामना ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने किया और इस तरीके से नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति ने तमाम ऐसे विवादों का सामना किया।
तो हम आपको बताते चले, भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की घोषणा के बाद ही इंटरनेट यूजर्स में उनको लेकर जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जैसे कि सुनक की पत्नी का नाम क्या है, उनकी जाति क्या है या फिर उनके माता पिता का नाम क्या है। तो इसी तरीके से तमाम जानकारियों के लिए लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। दरअसल ऋषि सुनक की पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो कि एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी है। अक्षता का जन्म 1980 में कर्नाटक के हुबली में हुआ था। पेशे से फैशन डिजाइनर अक्षता ने साल 2007 में एक फैशन ब्रांड की संस्थापना भी की थी, लेकिन बाद में ये बंद हो गया था। अक्षता की पढ़ाई अमेरिका और फ्रांस में हुई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नीदरलैंड की एक कंपनी के साथ काम भी किया। अब हम बताते हैं कि आखिरकार ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति की मुलाकात सबसे पहले कैसे हुई। तो अक्षता मूर्ति और ऋषि सुनक की पहली मुलाकात MBA की पढ़ाई के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच करीबियां बढ़ी और जल्द ही ये नजदीकी प्यार में बदल गई। साल 2009 में दोनों की शादी बेंगलुरु में भारतीय रीति रिवाज के साथ हुई थी। और आपको हम बता दें, उनकी गिनती ब्रिटेन सबसे अमीर महिलाओं में होती है। उनकी दो बेटियां हैं, कृष्णा और अनुष्का। स्टॉक एक्सचेंजों की को दी गई जानकारी के मुताबिक अक्षता के पास लगभग $1 बिलियन यानी कि 7,600 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर इन्फोसिस के शेयर है। संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2021 के अनुसार अक्षता की संपत्ति ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा थी। और हम आपको बताते चले कि अक्सर जो अक्षता मूर्ति है उनका विवादों से भी काफी संबंध रहा है। अक्षता मूर्ति ब्रिटेन में टैक्स को लेकर विवाद में रही है। अक्षता की गैर स्थानीय कर स्थिति को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उन पर निशाना साधा था। गैर स्थानीय कर स्थिति का अर्थ है कि वो विदेशों में अर्जित आमदनी पर ब्रिटेन में कर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसके चलते ऋषि को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तमाम मुश्किलों का सामना उन दोनों की तरफ से हुआ। और हम आपको बताते चले कि ऋषि सुनक ने अक्षता का समर्थन करते हुए विपक्ष पर पलटवार भी किया था और कहा कि अक्षता को अपने देश यानी कि भारत से प्यार है और वो अपने माता पिता की देखभाल के लिए वहां जाएंगी। तब सुनक ने कहा था कि हमारे मिलने से पहले, उनके इस देश में आने से पहले ही उनके यानी कि अक्षता के पास ये दर्जा था। उन्होंने कहा कि अक्षता ने मुझसे शादी की है, इसलिए उन्हें अपने देश से संबंध तोड़ने के लिए कहना उचित नहीं है। वो अपने देश से प्यार करती है जैसे कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। मैं कभी भी अपनी ब्रिटिश नागरिकता छोड़ने का सपना नहीं देखूंगा और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी का यहाँ पर साथ दिया था और ऋषि सुनक और हमने आपको बताया कि अक्षता मूर्ति की किस तरीके से मुलाकात हुई थी। टैक्स से जुड़े विवाद भी उन दोनों विवादों का भी उन दोनों ने यानी कि ऋषि ने और जो हम आपको बता रहे हैं उनकी पत्नी ने इसका सामना किया था। और हम आपको ये भी बता दें कि अक्षता ने इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर लिखा था कि ऋषि ने हमेशा इस तथ्य का सम्मान किया है कि मैं भारतीय हूँ और मुझे अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना कि उन्हें अपने देश से है। अक्षता ने कहा, उन्होंने मुझे अपनी भारतीय नागरिकता, भारत में संबंध या मेरे व्यावसायिक मामलों को छोड़ने के लिए कभी भी नहीं कहा। भले ही इस तरह के कदम उनके लिए राजनीतिक रूप से चीजों को सरल बना देते हैं। अक्षता ने अपने पति के राजनीतिक करियर के समक्ष आ रही बाधा का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी गैर अधिवास स्थिति को त्याग दिया, जिसका अर्थ है कि वो अब ब्रिटेन में इंफोसिस के शेयर से अपनी सभी भारतीय आय पर जो कर का भुगतान करती है। अक्षता ने कहा, मेरी पूरी विश्वव्यापी आय पर ब्रिटेन में कर का भुगतान करने का मेरा निर्णय इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि भारत मेरे जन्म, नागरिकता, माता पिता का घर और अधिवास का देश बना हुआ है, लेकिन मुझे ब्रिटेन से भी प्यार है। उन्होंने कहा, यहाँ अपने समय में मैंने ब्रिटिश
व्यवसायों में निवेश किया है और ब्रिटेन के हितों का समर्थन किया है। मेरी बेटियां ब्रिटिश है, वो ब्रिटेन में बड़ी हो रही है और ये मुझे बहुत, इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा गर्व में हूँ। एक निवेश के रूप में अक्षता की कंपनी तेजी से बढ़ते ब्रिटिश ब्रांड में निवेश करने की दृष्टि से उपभोक्ता तकनीक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं उनके पास भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस में भी उनकी हिस्सेदारी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के बीच में जिस तरीके से ये संबंध है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम इन चुनौतियों का भी सामना किया। तो आपने देखा, हमने इस तमाम इस रिपोर्ट में आपको बताया कि आखिरकार ऋषि सुनक की बहन कौन है और ऋषि सुनक की बहन कितना कमाती है, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी क्या शादी हुई है या फिर नहीं हुई है। ऋषि सुनक की बहन के बारे में हमने आज आपको तमाम और विस्तार से जानकारी दी। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।